Jai Jagannath. Welcome to my YouTube channel MS Physics Prep. In this video, I am going to discuss about LS coupling. This topic is very important as compared to LL coupling and SS coupling. यदि आपने वो LL coupling and SS coupling का वीडियो नहीं देखे हैं, वो बेसिक के लिए अच्छा है, वो उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो LS coupling क्या है और LS coupling के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये IIT JAM, BHU, JNU ये सब के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। LS coupling L क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। S है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली इन LS कपलिंग में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? L है, उसका रिप्रेजेंटेशन L है। एंड रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? S। ये एक्चुअली लेस स्ट्रांगली कपल्ड आर लेस स्ट्रांगली कपल्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। Vector J of the atom. जो resultant orbital angular momentum vector and resultant spin angular momentum ये less strongly coupled to each other, okay? And J का क्या फॉर्मूला है? J का जो है J equal to L plus S and इसका जो value of J ये कहां से बीच में लाया करेगा? L minus S to L plus S, L plus S, L minus S to L plus S बीच में लाएगा, ओके? देन हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। हम पहले P1 D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालेंगे, P1 D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम LS कपलिंग निकालेंगे। तो P1 D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए P1 D1 से आपको पता चल रहा होगा कि ये टू इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला है, टू इलेक्ट्रॉन। सो वन इलेक्ट्रॉन S1 है, सपोज S1 के लिए स्पिन है 1/2 एंड S2 के लिए भी स्पिन है कितना 1/2 और S का वैल्यू किसके बीच में लाया करेगा? S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2 के बीच में लाया करेगा, S1 प्लस S2 के बीच में लाएगा। सो दैट फॉर दिस P1 D1 S कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/2 0 है और 1/2 प्लस 1/2 1, ओके? फिर एल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एल एल क्या है? रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। और पी, पी के लिए एल कितना है? 1 है। एंड और डी, एल कितना होगा? 2 है। एल कितना होगा? 2 है। इसको L1 ले लीजिए, इसको L2 लीजिए। तो एल का वैल्यू जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2 के बीच में लाई करेगा। L1 प्लस L2 के बीच में लाई करेगा। यदि आप ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहला वीडियो जो है इसका LL कपलिंग एंड SS कपलिंग उसको जगह एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो उसके बीच में जो है वो भी लाई करेगा। 1 2 3 वैल्यू आ गया, एल का वैल्यू आ गया। तो हम कैसे निकालेंगे एलएस कपलिंग? देखिए इसको अच्छे से समझिए। तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ये एल एंड ये है एस। एस का वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ रहेगा एंड एल का वैल्यू इस तरफ रहेगा। तो एल कितना है? क्या क्या वैल्यू है? 1, इसका वैल्यू है 2 और एक वैल्यू क्या है? 3। एस का वैल्यू क्या है? एक है 0 है और एक 1 है। ये 0 है और एक 1 है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग? जे, ये एस का वैल्यू है। उसके लिए हम जो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जो स्पेक्ट्रल नोटेशन रहता है, स्पेक्ट्रल नोटेशन वो कैसे रहता है? एल जे 2s प्लस 1 रहता है। 2s प्लस 1 रहता है। रहता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एस का वैल्यू है, तो हम 2s प्लस 1 निकालेंगे। तो एस के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ 2s प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? एस के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, तो जे का वैल्यू कितना है? जे का वैल्यू कितना है? एल प्लस एस है। एल प्लस एस है। एक्चुअली क्या है? जे का वैल्यू जो है एल माइनस एस से एल प्लस एस के बीच में लाया करेगा। एल प्लस एस के बीच में लाया करेगा। ठीक है, तो ये 0 1 है, 0 1 है। तो इसको ऐड कीजिएगा एक बार। तो माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 1 होगा एंड ऐड करेंगे तो वही होगा। इधर भी 2 माइनस 0 2 है, 2 प्लस 0 2 है, सेम है। तो 3 माइनस 0 3 है, ये 3 प्लस 0 3। तो देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 को क्या बोलते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला 2s प्लस 1। तो स्पेक्ट्रल नोटेशन इस तरह की आएगा, 2s प्लस 1 एल जे। एल जे, ये एल का वैल्यू है 1। एल का वैल्यू 1 के लिए क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। 2 के लिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एंड 3 के लिए एफ हो जाएगा। 3 के लिए एफ हो जाएगा। ठीक है, तो 2s प्लस 1 के जगह कितना है? 2s प्लस 1 1 है। तो हम कैलकुलेट कर दें। ए इधर क्या है? पी है, तो पी को पी रख दी, पी को पी रख दीजिएगा। एंड जे कितना है? 1 है। एक स्पेक्ट्रल टर्म आपका आ गया। फिर इस तरफ 2s प्लस 1 कितना है? 1 है। 2 के लिए क्या वैल्यू है? डी है। L इक्वल टू 2 के लिए D है एंड J कितना है? 2 है। इधर देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है और L इक्वल टू 3 के लिए क्या वैल्यू है? F है एंड J कितना है? 3 आ गया। इधर देखिए इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं, क्या है? एक 1 2 3 है, 1 2 3 है। ये क्या है? 1 है। तो 1 को प्ले 1 से माइनस करो, कितना आएगा? 0। 1 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 0 1 2 हो जाएगा टर्म, क्योंकि एल माइनस एस टू एल प्लस एस के बीच में लाई करेगा। तो इधर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 है। एंड 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 2 3। इधर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एंड ये आपका जो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सो 2, 3, 4 हो जाएगा। तो अब स्पेक्ट्रल नोटेशन लिखेंगे। देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है 3 है, पहले 3 है, ये 1 के लिए क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। जे का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा टर्म 3p0 आएगा, 3p1 आएगा एंड 3p2 आएगा। ठीक है, देखिए इस तरफ यहाँ भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है 3 है एंड ये 2 के लिए वैल्यू क्या है d है और जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 2, 3। दैट मीन्स इसका टर्म क्या आएगा 3d1 आएगा, 3d2 आएगा एंड 3d3 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है 3 है, तो 3 को 3 रह गया। ये वैल्यू कितना है f है, तो f ये जो j का वैल्यू कितना है 2, 3, 4। इसका मतलब क्या है क्या क्या स्पेक्ट्रल टर्म आएगा 3f2 आएगा, 3f3 आएगा और 3f4 आएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और इसको अच्छे से नोट कर दीजिएगा। और ये बीएचयू में तो बीएचयू दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो स्पेशल पूछता ही पूछता है। ठीक है, और नेक्स्ट और एक प्रैक्टिस के लिए और एक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या लेंगे F1D1 कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आसान भाषा में समझाऊंगा और हर टॉपिक को आपका कवर करूंगा। ठीक है, तो F1D1 के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन एटम है। सो S1 की 1/2 होगा एंड S2 भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एंड S का वैल्यू कहां से कहां तक लाया करेगा S1 - S2 टू S1 + S2 के बीच में लाया करेगा। तो 1/2 - 1/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये कितना 1 हो जाएगा। एस का वैल्यू आ गया। और एफ के लिए L1 कितना हो जाएगा L1 3 हो जाएगा, क्योंकि एस के लिए क्या है एस के लिए 0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है और एफ के लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। F1 है तो इसलिए फॉर एफ इक्वल टू L1 3, फॉर डी इक्वल टू L2 कितना हो जाएगा 2, बी इक्वल टू L2 कितना हो जाएगा डी के लिए L2 कितना है 2 है। तो L का वैल्यू कहां से कहां तक लाया करेगा L1 - L2 टू L1 + L2 के लिए L2 तक लाया करेगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 - 2 1 हो जाएगा और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उसके बीच में लगेगा सो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, और जे का वैल्यू कहां से कहां तक लाया करेगा जे का वैल्यू L - S2 L + S के बीच में आया करेगा। तो देखते हैं किससे होता है। ये क्या हो जाएगा एस वैल्यू हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा एल इस तरफ लिखेंगे और एस इस तरफ लिखेंगे। पहले एल लिख देंगे। तो 1 पहला है 1 के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L = 1 के लिए क्या है पी है, 1 के लिए पी है। सो ऐसे 2 के लिए कितना हो जाएगा 2 के लिए डी है, 3 के लिए कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा, 4 के लिए कितना हो जाएगा जी हो जाएगा, 5 के लिए कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। तो इतना ज्यादा हमको जरूरत नहीं है, इतना बड़ा बड़ा भी नहीं आएगा। स्पिन क्या है पहला है 0 है और नेक्स्ट कितना है 1 है। तो ये एस है तो हम क्या निकालेंगे इसके लिए 2s + 1 निकालेंगे। 2s + 1 तो 2 × 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसके लिए 2s + 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 + 1 तो कितना हो गया 3। तो हम जे का वैल्यू कहां से कहां तक लाया करेगा L - S2 L + S के लिए। तो 1 - 0 तो कितना होगा 1 होगा और 1 + 0 कितना होगा 1 होगा। तो रिपीटेड वैल्यू को हम नहीं लेंगे तो सिर्फ 1 लिख दीजिए। इधर 2 हो जाएगा, इस तरफ वैसे 3 - 0 3 है, 3 + 0 भी 3 है, तो 4 हो जाएगा ये, इस तरफ ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 और से माइनस करने से और 0 से 8 करने से सेम वैल्यू देता है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू 1 के लिए क्या है, पी है, जे का वैल्यू इधर है, हम स्पेक्ट्रल नोटेशन लिख देंगे 1p1। ऐसे इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है तो 1d2, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है 1f3, तो इधर f है तो f लिख रहे हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रल नोटेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये L है, ये J है, ये 2s+1 है, 2s+1 का वैल्यू इधर लिख दिए और L का वैल्यू इधर है और J का वैल्यू इधर है। तो ऐसे 1g4 ये 1g5 हो गया स्पेक्ट्रल नोटेशन। नेक्स्ट देखते हैं L माइनस एस L प्लस एस लाई करेगा, सो इधर 3 है, 3 - 1 कितना है 2 है, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, ये 1 - 1 कितना है 0 है, इसको ये 3 से 8 मत कीजिएगा, ये 1 - 1 कितना है 1 - 1 कितना है 0 है, गलती से इसको 3 से कैलकुलेट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, 0 है तो 1 + 1 क्या है 2 है, तो 0 1 2 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 2 - 1 1 है और 2 + 1 3 है, 1 2 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 3 4 5, ये कितना हो जाएगा 4 5 6, तो 3 को 3 पहले रहने दीजिए, p का वैल्यू कितना है, p को p रहने दीजिए, तो 0 1 2, इधर कितना है 3 है, d का वैल्यू कितना है 1 2 3 है, 3 का वैल्यू कितना है f 2 3 4 है, ये 3 g 3 4 5 है, इधर 3 है h 4 5 6 हो जाएगा, इधर लिख दे रहा हूँ नीचे 3 h 4 5 6। तो ऐसे करके आप स्पेक्ट्रल टर्म निकाल सकते हैं। I hope you enjoy the video. Please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to click on the bell icon. यदि आपको क्वालिफाई करना है, एक्चुअली आप सीरियस एस्पिरेंट हो, so keep watching my channel regularly. जय जगन्नाथ।